नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति से इंटरव्यू में परिचित कराएंगे कि जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक पिता की संतान जिसने किन्नर के रूप में जन्म लिया, अपनी बच्ची को बहुत बड़े अपार पीड़ाओं से परेशान जो कि उसे अंदर से झंझोड़ रही थी। लेकिन कहते हैं जो असंभव को संभव करते उसे ही भगवान कहते हैं और उसे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। और जो उनके भगवान हैं वो हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने किन्नर बच्ची को साधारण और स्वस्थ करके समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया, जिनका नाम बैजनाथ दास MP से रहने वाले। अब सुनिए जरा अब बीती हुई कहानी और इन्हीं की जुबानी भी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बैजनाथ दास। कहाँ से आए हैं आप? हम MP के रहने वाले हैं, जिला श्योपुर, तहसील विजयपुर, ग्राम उपचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 21/9/2018 को। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी सभी की करते थे, देवी देवताओं की, जैसे भैरव है, दांगी अपने वहाँ और भी देवताएं, उन सभी की भक्ति करते थे हम। सर, जो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इन सब से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? नहीं सर, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ हमें। हम भक्ति करते थे तो जैसे पहले से भक्ति करते आए तो हम भी करते रहे ऐसे ही, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको भी 5 ही दिन हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई अनुभव भी हुआ है? 21/9/2018 को हमने नाम दान लिया था परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और हमारे साथ में एक हमारी भाई की छोटी बच्ची है, उसके साथ में चमत्कार हुआ था। उसके जब हमने प्रण कर लिया था कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेंगे, बच्ची हमारी जी आंगन में खेल रही थी तो हमारी दादी और मम्मी की नज़र बच्ची पे पड़ी। जब कपड़े नहीं पहन रही थी बच्ची, तो उनको पता चला कि इस बच्ची में तो कमी है, और हमें आज तक बिल्कुल पता भी नहीं चला कि हमारी बच्ची ऐसी है। आपकी जो दादी थी और बच्ची की जो मम्मी थी, उन्होंने बच्ची को देखा, तो ऐसी क्या कमी दिखी बच्ची में कि उन्हें पता चला कि बच्ची में कमी है? हाँ सर, उस बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, जो उसे हम जननांग बोलते हैं वो नहीं थे, केवल जो पेशाब की रास्ता होती है वो रास्ता थी मात्र, और सब पे बिल्कुल जैसे पट्टी जैसी थी बिल्कुल। और हमने दूसरे दिन ही उस बच्ची को दिखाने डॉक्टर को ले गए हम, तो डॉक्टर से परामर्श किया तो डॉक्टर बोले कि अभी बच्ची छोटी है तो बच्ची को 7 साल की होने दो, 7 साल बाद जैसे हम अल्ट्रासाउंड लेके तो यह पता चलेगा कि बच्ची का ऑपरेशन हो भी सकता है या नहीं। तो जैसे बच्चे इतना हमें जानकारी मिली तो हम घर पे वापस आए, तो घर पे वापस आकर के सभी घर वाले हम परेशान हुए कि इस बच्ची के क्या हुआ, कैसे क्या, माने बहुत दुखी हुए सभी। तो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी और चाची तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से 2013-14 से जुड़े हुए थे, तो मम्मी ने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, हम तुमसे जुड़े हुए हैं तो हमसे, माने जैसे जगत के लोग पहले से भी कहते हैं और अब क्या कहेंगे कि आप कैसे गुरु से जुड़े हो और आपके घर में क्या हो रहा है। तो बहुत दुखी हो रही थी मम्मी, तो उन्होंने परमात्मा से कहा संत रामपाल जी महाराज से कि हे प्रभु, आप ही जाने, इस बच्ची को आप ही ठीक कर सकते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता है। तो बहुत दुखी होकर रोके मम्मी ने बोला, तो परमात्मा ने जैसे 20 दिन नहीं हुए तो ऐसा चमत्कार कर दिखलाया कि मम्मी और जो बहू है हमारी, तो बच्ची को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, तो उस समय ऐसी आवाज़ आई जैसे कपड़ा फाड़ते हैं हम, जैसी आवाज़ आई तो मम्मी ने बोला कि ये आवाज़ किसकी आई है? तो बोला कि जैसे कि मम्मी गैस पास हुई होगी, तो ऐसा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मम्मी ने देखा बच्ची को, तो बच्ची को देखा तो बिल्कुल बच्ची बिल्कुल सही जैसी की तैसी, और नॉर्मल बच्चियां होती हैं वैसे, परमात्मा ने बिल्कुल बच्ची को वैसे ही बना दिया, बिल्कुल चमत्कार ऐसा दिखाया परमात्मा से। हम सभी घर वाले ऐसे चकित रह गए कि सिवाय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के अलावा ऐसा कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल हमें इतनी खुशी हुई परमात्मा की ऐसी रजा हुई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से पहले नाम दीक्षा नहीं लेना चाहता था, और न मेरा भाई लेना चाहता था। तो जैसे हमारी बच्ची
के गुप्तांग नहीं थे, तो गुप्तांग जैसे परमात्मा ने जो चमत्कार किया, गुप्तांग जैसे कि तैसे नॉर्मल बच्ची की तरह जो गुप्तांग लगा दिए परमात्मा ने, तो वो चमत्कार देख के हमने भी प्रण कर लिया था कि हम भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे। और वो बच्ची भी मेरे साथ है, मैं उस बच्ची को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो बच्ची है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस बच्ची के पहले गुप्तांग नहीं थे, और संत रामपाल जी महाराज से जब मम्मी ने हमारी ने जो अर्जी लगाई थी परमात्मा से, तो इस बच्ची के बिल्कुल गुप्तांग जैसे नॉर्मल बच्चियों के होते हैं वैसे बिल्कुल गुप्तांग अब परमात्मा ने लगा दिए। तो सर आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो बच्ची है वह किन्नर पैदा हुई थी, और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद आपकी एक बच्ची किन्नर से नॉर्मल हो गई, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं? हाँ सर, 5 दिन हुए मेरे को नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन मैं इस जगत और भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, वो परमात्मा हैं, और उनसे सभी नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। दर्शकों, जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक काल ब्रह्म का लोक है, और इस लोक की व्यवस्था साइंस की तकनीक से सुचारू रूप से की जा रही है, जिसके माध्यम से किसी के अंग को लगाने और हटाने के लिए चीर फाड़ करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करते हैं या कोई अंग ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन जो आदि सनातनी पूजा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, उसकी शक्ति से पूर्ण परमात्मा यानी जिसे गीता में उत्तम पुरुष कहा गया है, वो उस कार्य को बिना चीर फाड़ के ही कर देते हैं। इस प्रकार के हजारों उदाहरण संत रामपाल जी महाराज से आदि सनातनी भक्ति प्राप्त करने वाले श्रद्धालुओं ने कायम किए हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सत भक्ति से लाखों श्रद्धालुओं के कैंसर, एड्स जैसे भयंकर रोग छुमंतर हुए हैं, जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी इस श्रद्धालु का अनुभव सुना, जिससे ये सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं है। और ज्ञान गंगा पुस्तक जो कि निःशुल्क मंगवा सकते हैं, इसके लिए आपको अपना फुल एड्रेस कमेंट बॉक्स में देना होगा, जिससे कि आपको ये पुस्तक हम पहुंचा सकें और ये आप पुस्तक पढ़ें, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानकारी सत्य मिल सके। धन्यवाद।